शब्द संसार लेकर मैं माधुरी हूँ आज आप सभी के साथ। अक्षर अक्षर जोड़कर शब्द बनता है और शब्दों के इस संसार में गढ़ी जाती हैं कविताएं, कहानियां, व्यंग, संस्मरण, गीत, गजल, नाटक, और इसी जगत की से जुड़ने का नाम है शब्द संसार। तो चलिए जुड़ जाते हैं शब्द को शब्द से जोड़कर। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, अपने मन में तुम उतार लो, चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा, अपने ललाट की कण कण से झांकती तुम्हें सभी विराट थी, अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन सफेद रंग में सारे रंग शामिल हैं, दुनिया की सारी रोशनियां इसी में समाई हुई हैं। सफेद रंग और शांति का कोई रिश्ता नहीं है,
ये पंक्तियां 2024 के साहित्य के नोबल पुरस्कार विजेता दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग की हैं। नोबेल पुरस्कार देने वाली रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने उनके नाम की घोषणा करते हुए कहा, ये सम्मान हान के पैनेपन से भरे काव्यात्मक गद्य के लिए है, जिसमें अतीत के ट्रॉमा से मुठभेड़ भी है और मानव जीवन की कोमलता भी हमारे सामने जाहिर होती है। 53 वर्षीय हान कांग दक्षिण कोरिया की पहली राइटर हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नजर से फूल चुनती है नजर, नजर से फूल चुनती है नजर, आहिस्ता 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 मोहब्बत रे मगर, मोहब्बत रंग लाती है मगर, आहिस्ता एक मंजर नया सा है, दुआएं दे रहे हैं पेड़ मौसम जोगिया सा है, तुम्हारा साथ है जब से हर एक मंजर नया सा है, हंसी लगने लगी हर रह गुजर, हंसी लगने लगी हर रह गुजर, आहिस्ता 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 मोहब्बत रंग लाती है मगर, मोहब्बत रंग लाती है मगर, आहिस्ता 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 फासला क्यों है, बहुत अच्छे हो तुम फिर भी हमें तुमसे हया क्यों है, तुम ही बोलो हमारे दर में आए फासला क्यों है, मजा जब है कि तय हो ये सफर, मजा जब है कि तय हो ये सफर, आहिस्ता मोहब्बत रंग लाती है मगर, मोहब्बत रंग लाती है मगर, आहिस्ता 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 बन के आता है, हमेशा से अकेले पर
रिश्ता प्यार का है, आसमां से बन के आता है। मगर होती है दिल को ये खबर, मगर होती है दिल को ये खबर, आहिस्ता 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 मोहब्बत रंग लाती है मगर, मोहब्बत रंग लाती है मगर, आहिस्ता 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 नजर से फूल चुनती है नजर, नजर से फूल चुनती है नजर, आहिस्ता 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 मोहब्बत रंग लाती है मगर, मोहब्बत रंग लाती है मगर, आहिस्ता 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 आहिस्ता। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Are you a technical graduate who dreams to lead a life less ordinary? Well, here's a golden chance to serve your nation with pride and honor. Applications are invited to join the Indian Army as an officer. Online applications are invited from technical graduates BE BTech for joining the Technical Graduates Entry 141st course commencing in July 2025. Applications will remain open till 17th October 2024. For more details, log into www.joinindianarmy.nic.in. आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और ये सफर है शब्द संसार का। कभी तिराहे पर, कभी आंगन में टांगा, कभी किसी खटिया तो खूटी से बांधा, कभी मतलब से तो कभी यूं ही नकारा, कभी जी चाहा तो खूब दिल से पुकारा, कभी पैसों से तो कभी बेमोल खरीदा, मुझे पा लेने का बस यही तो है तरीका, नाम था मेरा भी पर किसी थी जरूरत, कहते हैं लोग मुझे ऐसी वैसी औरत। अंकिता जैन की ये कविता सचमुच दिल को छू लेने वाली है। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर कितना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम, धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू,
मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो सुनी डगर हो या मेला या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कई कई बार कई कई बार। भारतीय उद्यमिता का एक स्वर्ण युग थे रतन एन टाटा। उनके निधन की खबर के बाद मेरा ध्यान उस किताब की ओर गया जिसका नाम है टाटा स्टोरीज, लेखक हरीश भट्ट। ये किताब हिंदी में भी अनुदित है और पेंगुइन स्वदेश से प्रकाशित इस किताब का अनुवाद किया है डॉक्टर संजीव मिश्र ने। तो अगर आप भी उनके प्रेरक कहानियों को जानना चाहते हैं तो जरूर पढ़ें टाटा स्टोरीज। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
सहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियां जहां भर के तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं तू ही मेरा जीवन तू ही जीने का सहारा छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा आइए जानते हैं साहित्य में कुछ हटके। मध्यकालीन साहित्य के विद्वान माधव हाड़ा के संपादन में कालजयी कवि और उनका काव्य सीरीज में अनेक कविताएं आई हैं। इसी सीरीज के अंतर्गत हाल ही में कश्मीर के मध्यकालीन कवित्री ललदेद के ऊपर उनके किताब आई है, जिसमें ललदेद की कविताओं के हिंदी अनुवादों को भी उन्होंने संकलित किया है। ये संकलन अनुवाद तो नहीं है, हाँ चुने हुए वाक्यों का भाव रूपांतर है। उन्हीं में से एक वाक का भाव आपके लिए। अभी देखी एक बहती हुई नदी, उस पर नहीं था कोई सेतु, नहीं थी कोई पुलिया। अभी देखी एक खिले हुए फूलों की डाली, अभी देखा उस पर नहीं थे फूल और कांटे। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा।
रांझा की बातें ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। ओ माना के जान जहाँ लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तूने जहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। अरे राम वचन, ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई। दुकान पूरी तरह अस्त व्यस्त, माल भी नहीं डलवाया, दुकानदारी नहीं करनी तूने। अब क्या बताऊं भैया, धंधे में जब से घाटा लगा है बस घोर राशि, काम में दिल नहीं लगता, मन करता है कहीं जाके मर जाऊं। सावधान, ये लक्षण अवसाद यानी डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के विजन को मजबूती। आइए सरस आजीविका मेला गुरुग्राम, जहां स्वयं सहायता समूह की 800 से अधिक दीदियां लेकर आई हैं सभी राज्यों के उत्कृष्ट और विश्व प्रसिद्ध उत्पाद, वे भी वाजिब दाम में। साथ ही फूड कोर्ट में आनंद लीजिए विभिन्न राज्यों के पारंपरिक और स्वादिष्ट जायके का। सरस आजीविका मेला 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, लेजर वैली ग्राउंड सेक्टर 29 गुरुग्राम, सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क, भारत सरकार द्वारा आयोजित। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं शब्द संसार के साथ। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार, मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति विजय अपार।
साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं, तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तक किसी को पुकारा नहीं, तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं, तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं, तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मुस्कुराती रहूं, मैं तुम्हें देख
देख कर गीत गाता रहूं। एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, एक रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो, लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और ये समय है शब्द संसार का। और शब्द संसार में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीजें रोज अनुदित होती रहती हैं, कुछ लिखते रहते हैं लोग, कुछ छपता रहता है, और हम उनमें से कोई नई चीज आप तक भी पहुंचाते रहते हैं। तो एक खास कविता है जिसे आपको जरूर पढ़नी चाहिए, और अब ये हिंदी में भी है तो ना पढ़ने का तो कोई कारण बनता ही नहीं, जरूर पढ़ें एक बार। कविता का नाम है जीरो आर, अर्नेस्टा कार्डिनाल की कविता जो मूल स्पेनिश में 1970 में प्रकाशित हुई थी। ये एक ऐसी तीखी सामाजिक राजनीतिक कविता है जिसमें अस्तित्वगत प्रश्न भी हैं। संरचना और शब्दावली में अलग और अनोखी है, बल्कि ये कहें कि ये अपनी तरह की इकलौती ऐसी कविता है तो गलत नहीं होगा। इसकी तुलना मुक्तिबोध के अंधेरे में से की जाती है। इस महाकाव्य का अनुवाद दिगंबर ने किया है, और हिंदी में इस लंबी कविता का अनुवाद और प्रकाशन समझिए एक घटना जैसी है। तो पढ़ना ना भूलें जीरो आर, हिंदी में शून्यकाल।
और चलिए अब बात करते हैं हमारे शब्द संसार के नाटक प्रेमी श्रोताओं के लिए कि कहाँ नाटक होने वाले हैं। आप आने वाले शनिवार को यानी कि 19 अक्टूबर को देख सकते हैं अस्मिता थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति असगर वजाहत का लिखा नाटक जिस लाहौर ने देखा वो जन्मयनी। निर्देशक होंगे अरविंद गौड़, संगीत देंगी डॉक्टर संगीता गौड़ और नाटक की अवधि होगी 1 घंटा 45 मिनट। स्थान श्रीराम सेंटर मंडी हाउस नई दिल्ली और समय होगा शाम 7 बजे और ये नाटक होगा 19 अक्टूबर को। एक और शाम आप नाटक के नाम करना चाहें तो आप देख सकते हैं दास्ताने कर्ण एज महाभारत। कलाकार हैं होंगे महमूद फारूकी। रविवार 20 अक्टूबर को आप ये नाटक देख सकते हैं शाम 7 बजे। जगह होगी इंडिया हैबिटेट सेंटर। इसी के साथ शब्द संसार से दीजिए इजाजत माधुरी को।